सारे महान लोगों को मैं स्वागत करता है मौर्य इस सेशन की मंच में। मुझे आज मौका मिला है, बात करने का मौका मिला है मौर्य। तहे दिल से मेरा मेंटर्स, सारे मेंटर्स के आज ये अपॉर्चुनिटी मिला, वैसे मेरा मेंटर्स की तरफ से मिला है मौर्य। मेरे मेंटर्स को सारे सारे को मैं प्रणाम करता हूँ मौर्य। आज सेशन का इतना बढ़िया कंपनी में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला, बोले तो एक फ्रेंड का तरफ से मिला है मौर्य। उससे पहले मेरे बारे में बिफोर सेशन क्या था वो जानकारी देना चाहता हूँ मौर्य। उससे पहले तो मैं एक्चुअली तो हमारा पिताजी हमाली का काम करता था राइस मिल में, थैले इधर उधर लोड करने का अनलोड करने का काम करता था। हमारा पिताजी को चार लड़कियां हैं, दो बेटे हैं, उसके अंदर मैं छोटा हूँ, सबसे छोटा मैं हूँ। मैं 10th क्लास रहने का टाइम पे हमारा पिताजी ने एक्सपायर्ड हो गया मौर्य पैरालिसिस की तरफ से। उसी टाइम पे हमारा बड़ा भाई ने वो टोटल घर पालन पूरा हमारा बड़ा भाई ने ले लिया है। इसके बाद घर का पालन पूरा बड़ा भाई करते हुए संगत पे मुझे लगा है। उस टाइम पे मैं 10th क्लास पढ़ रहा था, मुझे लगा था उस टाइम पे बड़ा भाई चार बहनों को और मेरे को भी पालना बहुत मुश्किल की काम होता था। सोचा था मैं भी कुछ ना कुछ काम करना अच्छा है। उसके बाद जबरदस्ती से मेरे बड़ा भाई जबरदस्ती करने से इंटरमीडिएट करा और इंटरमीडिएट भी जबरदस्ती करा, सेकंड ईयर करके फिर हैदराबाद चल गया मौर्य। हैदराबाद जाके मजदूरी का काम करा, इंडस्ट्री में काम करते गया, करते करते रहेंगे संगत में मुझे लगा अगर जो भी काम मिला करते रहे तो करते तो जा रहे मगर खुशियां तो नहीं मिल रहा था मौर्य, खुशियां तो नहीं मिल रहा था। इसी दौरान में तरकारी भी बेचा है मैंने, आइसक्रीम भी बेचा है, तरकारी भी बेचा है, मगर वहां पर भी मुझे खुशियां नहीं मिल रहा था क्योंकि जिस दिन मैं काम कर रहा था उस दिन तो पैसे मिल रहा था, रोकड़ा मिल रहा था, मगर घर तो आगे नहीं बढ़ रहा था। उसके बाद मैं सोचा कुछ ना कुछ नौकरी करने से अच्छा रहता बोल के उसी दौरान में गवर्नमेंट जॉब की भी कोशिश किया। ऐसा प्रोफेशन भी मेरे गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसा प्रोफेशन में किया था, CRPF में किया था, DR पुलिस में किया था, AR पुलिस में किया था, जो भी प्रोफेशन है उसके अंदर CSF में भी किया था और LIC सिक्योरिटी रहे तो LIC सिक्योरिटी में भी किया था। सारे में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलता था मगर कहीं भी मेरे को मौका नहीं मिला गवर्नमेंट जॉब करने का। रिटर्न टेस्ट में या ओरल टेस्ट में कहीं ना कहीं फेल हो जाता था। इसी दौरान में वही सोचा था और कुछ ने प्राइवेट जॉब नौकरी तो करना है, अगर नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकता है, कल का दिन शादी भी करना है। इसलिए तो उसी दौरान में हमारा भाई का फ्रेंड था, भाई का फ्रेंड का तरफ से मैं सिक्योरिटी नौकरी छोड़ लिया मौर्य। सिक्योरिटी नौकरी 2097 में छोड़ लिया मौर्य। 2097 से लेके थोड़े देर मैंने बीच से कंटिन्यू करने सिक्योरिटी गार्ड का पोजीशन में शुरुआत करने के टाइम पे मुझे लगता था सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी तो कम रहता है, सुपरवाइजर का सैलरी ज्यादा रहता है, अगर सुपरवाइजर करने से बहुत अच्छा रहेगा बोल के सुपरवाइजर के लिए तो कोशिश करने के टाइम पे बहुत सारे मेरे कोलिग्स मेरे जो साथ में संगत में काम करते हैं उन लोग का डराते थे अगर सुपरवाइजर का काम करना है तो कंपनी को एक लीड करना पड़ेगा, कोई चोर हो गए तो कुछ भी हो गए तो फिर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, पुलिस स्टेशन घूमना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, उनको खुल के बताते थे मौर्य। फिर भी उसी दौरान मेरे को रिस्क बोले तो बहुत खुशी रहता था मौर्य। उसी दौरान में फिर सुपरवाइजर की भी कोशिश किया, सुपरवाइजर किया मौर्य। उसके उसी दौरान में फिर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर भी जॉब किया है मौर्य। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जॉब करते करते संगत में मुझे लगा अगर पढ़े तो कम है फिर भी अगर सिक्योरिटी ऑफिसर करने से कैसा लगता है। इसी दौरान में मुझे एक ट्रांसफार्मर कंपनी के अंदर हमारा चेयरमैन साहब ने मेरा सिंसियट को देख के उसी के अंदर सिक्योरिटी ऑफिसर विजिलेंस एंड सिक्योरिटी ऑफिसर का पोजीशन दिया है मौर्य। उसी 9 साल की नौकरी किया है एज ए सिक्योरिटी एंड विजिलेंस ऑफिसर, 9 साल की नौकरी किया है। उस टाइम पे भी बहुत कुछ चैलेंज आया मौर्य। उसके अंदर एक आदमी ने शॉर्ट सर्किट होके कंपनी के अंदर एक्सपर्ट हो गया था। उसी टाइम पे सिक्योरिटी एंड ऑफिसर में है बहुत कुछ स्ट्रगल किया, रात दिन तमाम नींद भी नहीं रहता था क्योंकि उसका फैमिली लोग आके गड़बड़ कर रहे थे, लोकल लीडर लोग आके गड़बड़ कर रहे थे, फिर भी संभाल लेके MD चेयरमैन तो ऑफिस में बैठा रहता था, उसको फिर संभाल लेके लोकल लीडर लोग को सभी को संभाल लेके ऐसा नौकरी करते गया। हमारा चेयरमैन ने शाबाश किया मौर्य, मगर वहां पर भी खुशी नहीं मिलता था, वहां पर भी खुशी नहीं मिलता था क्योंकि सैलरी तो जिस दिन का सैलरी आता था
मगर उससे बढ़ के नहीं आता था। फिर आगे घर को आगे बढ़ाना है तो कि एक तारीख को दो तारीख को हो जाए तो सैलरी आता था, फिर 5-10 तारीख को देखे तो अकाउंट में कुछ पैसा नहीं रहता था। सोचता था अगर जिंदगी यही जिंदगी है क्या, सोचने का टाइम पे मेरे मुझे माँ बाबू जी 2015 में एक फर्स्ट मई को मेरे को सेफ शॉप का अपॉर्चुनिटी मिला है माँ जी दोस्त की तरफ से। अपॉर्चुनिटी मिलते संग प्रेजेंटेशन दिया, ऐसा बढ़िया से प्रेजेंटेशन दिया माँ जी हमारा मेंटर ने। प्रेजेंटेशन देने का समय मेरा फ्रेंड भी मेरा कोलिग भी मेरे साथ था, उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा मगर मुझे मैं एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा क्योंकि मेरे से ज्यादा मेरा फ्रेंड क्वेश्चन पूछ रहा था। उन्हें मैं समझ गया मेरे से पहले पैसे उसके पास तो है वो जॉइन हो जाएगा, मगर वो जॉइन नहीं हुआ। और मुझे मौका मिला सेफ शॉप में पहला जॉइनिंग होने का, जॉइनिंग होगा मौर्य। जॉइनिंग होने के बाद इसमें मेन जॉइनिंग होने का एक ही होता है मौर्य, ऐसे सिक्योरिटी नौकरी में तो 24 साल की नौकरी किया है वहां पर कुछ भी नहीं पाया है। यहाँ पर प्रेजेंटेशन में बता रहे डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, जिंदगी में अगर दूसरे अलग जाना है तो यहाँ पर मौका मिलता है। उनके बताया मौर्य उसी दौरान में जॉइनिंग होके काम शुरुआत किया मौर्य। अगर डिफरेंट वे ऑफ लाइफ में जाना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा बोल के शुरुआत से ही मैं फुल टाइम शुरू कर दिया मौर्य। 2001 से ही फुल टाइम शुरू कर दिया मौर्य, शुरुआत से फुल टाइम कर दिया मगर रिजल्ट तो नहीं आ रहा था। बहुत सारे कम से कम 60 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया हमारी, 60 लोगों में 60 को 60 को मना कर दिया। 60 को 60 को मना करने से भी फिर भी हमारा मेंटर के पास जाता था बैठता था उन लोगों से। मुझे एक ही लगता था अगर आए तो आए सेफ शॉप के अंदर, करना है तो यहाँ पर करना है, आगे बढ़ना है और दूसरी बात नहीं है। अगर करना है तो यही करना है, अगर आगे बढ़ना है दूसरा कुछ मौका अपॉर्चुनिटी नहीं देखा है मैं। इसी दौरान में मेरा मेंटर के पास जाके बैठता था, मेंटर जिस काम जा क्या काम करता था क्या करता था उसके संगत में रह के बहुत सारे सीखने का मौका मिला मुझे। आगे दूसरे लोगों से आगे वालों से बात करने का किस तरीके में बात करता है, किस तरीके में ढंग में उन लोगों को मोटिवेट कर रहा है, ये पूरा सीखने का मौका मिला मौर्य मेरे को। वहां से आगे बढ़ते बढ़ते मेरे फर्स्ट रिकॉग्निशन है मौर्य लीडर्स क्लब, सेफ शॉप के अंदर फर्स्ट रिकॉग्निशन लीडर्स क्लब है। लीडर्स क्लब तो ले लिया है मगर एक साल तक तो रिजल्ट नहीं आया मौर्य, एक साल तक रिजल्ट नहीं आ रहा था। एक तरफ चल रहा था हम तो चल रहे एक लीडर लोगों को एक वन साइड में फोकस कर रहे हैं, उन लोगों को आगे बढ़ा रहे। उसी दौरान में अंजय सर होने दीजिए, अगर महबूब होने दीजिए, मनोहर रेड्डी, इन लोगों की संगत फुल फोकस करते गया मौर्य, लीडरों डेवलप करते गया। फिर भी माँ लोगों ने बताते रहते थे अगर आपको तुम्हारे को भी छत आना है ना दूसरे लेग में भी काम करने के लिए बताते थे। फिर भी मुझे लगता था अगर कुछ कुछ रिजल्ट लेना है तो पहले तो लीडर को डेवलप करना है, क्योंकि संगत में रह के सीखा है लीडर को डेवलप करने का। उसी दौरान में उन लोगों को डेवलप करते गया मौर्य, माँ के आशीर्वाद से करते करते रहने का टाइम पे मुझे मौका मिला मौर्य। उसके बाद काम करने का एक साल के बाद रिजल्ट निकला मौर्य। जब पार्ल हो गया, पार्ल तक तो रिजल्ट को बहुत मुश्किल हो गया मौर्य घर को चलाने के लिए। इसमें तो मैं हमारा फैमिली को बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ मौर्य, क्योंकि उससे पहले जो भी अगर सिक्योरिटी का नौकरी करने के टाइम पे 10 रुपये होने दीजिए, 2 रुपये होंगे, 1000-1000 रुपये होने दीजिए, किसी ना किसी के पास जुगाड़ करते थे मौर्य। मगर सेफ शॉप में आने के बाद जुगाड़ करने का मौका अपॉर्चुनिटी नहीं था मौर्य, क्योंकि हर एक को हमें प्रेजेंटेशन देता था लाखों रुपए का प्रेजेंटेशन देखने का, जिसके पास देते थे उसके पास पैसे नहीं मांग सकते। अगर प्रेजेंटेशन तो दे रहे मगर पैसे तो नहीं मांग सकते, क्या करना? घर में तो बहुत मुश्किल था मौर्य, क्या खाया क्या नहीं खाया। उस टाइम पे बच्चे छोटे थे, मुझे और हमारा फैमिली को दोनों को पता है अगर घर में क्या खाया या नहीं खाया। कम से कम मैं मेरे मेंटर को भी कुछ बताता नहीं, मेरा जो जिजाजी लोग आए उससे पहले जिजाजी लोगों से 4000-10000-5000 जो भी रिक्वायरमेंट है लेते लेते थे, पर उन लोगों को भी नहीं बताया। और मेरे पैसे का रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, बल्कि जैसा चला एक साल तक वैसा चला मौर्य। एक साल के बाद जैसा पार्ल होगा उसके बाद जो मैंने चाहा वो सारे मेरे को सेफ शॉप की तरफ से मिला बोल के बोल सकते हैं मौर्य। सारे तो मिल रहे, रिजल्ट तो निकल रहे। शुरुआत में उससे पहले तो पर्ल से पहले तो बैंकॉक अचीव हुआ मौर्य, बैंकॉक अचीव। अब मैं अकेला नहीं अचीव नहीं हुआ, मेरा फर्स्ट अचीवमेंट है वो टारगेट। उसमें मैं
और मेरे साथ ही साथ ही तीन आदमी को जिताने का मौका मिला माओ जी, लेफ्ट से सतीश बाबू सर को, राइट से अंजय सर एंड महबूब को, दोनों को जिताने का मौका मिला माओ जी। वहां से फिर उन लोगों को पकड़ा, उन लोगों को पकड़ पकड़ के, उन लोगों को संगत में रह के, साथ में रह के काम करना का मौका मिला माओ जी। हर वक्त में मुझे जो भी आता है, रात में 12 बजे होने दीजिए, 1 बजे होने दीजिए, 3 बजे होने दीजिए, जो भी अगर मेरे को जो भी डिप्रेशन का मोमेंट आता है तो मेरा मेंटर को कॉल करके बात करता था माओ जी। उसमें मेरा मेंटर, सारे मेंटर्स के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ माओ जी, कि कौन सी टाइम पे कॉल किया बोल के कभी भी सोचता था नहीं मेरे अंदर क्या है। मेरे अगर चाह तो अगर मेरे अंदर क्या है पता करा बोल तो मेरे मेंटर्स से पता करा माओ जी। मेरे अंदर जितना भी एनर्जी है, मेरा एनर्जी नहीं होता है, मेरा मेंटर का एनर्जी होता है माओ जी। उन लोगों से बात करने के टाइम पे मुझे लगता था 100% यहाँ पर सिक्स शॉप के अंदर सक्सेस हो सकता है, हर लेवल अचीव कर सकता है, हर लेवल अचीव कर सकता है। मेरे जुबान से बात निकला वो तो ये कि पॉजिटिव बात निकलता था माओ जी, उससे ज्यादा कुछ दूसरे बात तो नहीं निकलता था। उसी अचीवमेंट में मुझे बहुत बहुत खुशी का बात होता है माओ जी। मैं सोचा था एक्चुअली कार लेने का मौका आया, महागुरु जी ने बता दिया था मुझे कार ले सकते हैं सर आप, क्योंकि आज आपका चेक अच्छा मिल रहा है, कार ले सकते हैं बोल के बता दिया माओ जी। मगर मैं सोचा था 8 लाख की कार लेने के लिए, तो उसी बात को महागुरु जी से बताने के बाद महागुरु जी ने बोला अगर तुम लेना है तो नानो कार लो, अगर ये 8 लाख की कार क्यों लेता है। मैं उसी बात में मैं समझ गया माओ जी, अगर महागुरु जी ने नानो कार की बात कर रहा तो मैं समझ गया एक्चुअली अगर मेरे अंदर और कुछ है, इसलिए तो ये बात है महागुरु जी ने। फिर 1 महीने तक कार के लिए बात नहीं किया मौर्य, 1 महीने के बाद फिर कॉल करके बात किया मौर्य, कार कौन सा लेना है मौर्य आपके आशीर्वाद से आप बता दीजिए, मैं लेने के लिए रेडी हूँ। उस टाइम पे बता दिया मौर्य तुम अगर इस लेवल पे लेना है तो अगर 14 लाख 15 लाख की कार लेना है, मगर 10 लाख की 8 लाख की कार के ऊपर सोच नहीं जाना है। मेरा सोच गरीब से आया, सोच छोटा था मौर्य, पर मेरे को बड़ी सोचने की आदत लगा दिया मौर्य। मेरे कार से आप बड़ी सोच आ गया मौर्य, वाहन से जितना बड़ी सोच आया बोले तो मौर्य बहुत बढ़िया। मेरा यस क्लास है, टॉप मॉडल है माओ जी, मेरी खानदानी में 14 लाख की कार किसी के पास नहीं है माओ जी, मेरे पास ही है बोल के बोल सकता है। रूबी लेवल में अचीव कर दिया माओ जी, एक कार को अचीव करने के टाइम पे मेरा फैमिली में इतना खुश आया। जब तक अगर कोई ना कोई मना करता था मेरा कार लेने के बाद, बहुत सारे लोगों लाइन लगा दिया माओ जी। जब तक बहुत सारे लोग तो मना करता था, उसके बाद मेरा कार लेने के बाद बहुत सारे लोगों लाइन लगा दिया, लाके ज्वाइनिंग करा दिया माओ जी। वहां से काम शुरुआत करते गया माओ जी, फॉरेन ट्रिप भी अच्छी कर दिया माओ जी। मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप बोल के बोल सकते स्विट्जरलैंड, पेरिस स्विट्जरलैंड की। यहाँ पर मेरा टीम बहुत सारे लोग आए माओ जी, यहाँ से 25 लोगों को लेके गया माओ जी फॉरेन ट्रिप, पेरिस स्विट्जरलैंड फर्स्ट ट्रिप में मेरे साथ में। उन लोगों को लेके गया, एंजॉय करके आया, उसके बाद भी काम करते गया माओ जी। मेरा फैमिली को भी लेके जाने का मौका मिला माओ जी, मॉरिशस एक ही नहीं माओ जी, मेरा फैमिली को कुलमनाली लेके गया, आगरा दिखा दिया, दिल्ली दिखा दिया, अगर नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप बहुत कुछ एंजॉय कर दिया माओ जी। एक सारे खुशियां तो मेरा मिला बोलते एक ही होता है माओ जी, फिर भी मैं याद कर लेना चाहता हूँ मैं मेरा फैमिली, मेरा वाइफ, मेरा सपोर्टिंग मेरा सक्सेस का पीछे है माओ जी। मेरा मेंटर का जितना सपोर्टिंग है उतना सपोर्टिंग मेरा वाइफ भी इसके अंदर ग्रेट। मेरा वाइफ के लिए एक बार मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ माओ जी। वहां से काम जैसा शुरू हो गया माओ जी, मेरा रूबी लेवल पे सेफ शॉप की मैं समझा नहीं, मुझे पता नहीं एक्चुअली मेरा चेक बहुत बहुत कम देखता है माओ जी। शुरुआत से भी महागुरु जी लोग बोलते उसी टाइम पे देखने का आदत गिरता था। सेफ शॉप में फर्स्ट चेक ये टॉप लेवल चेक एमरा लेवल में 2 लाख का कैपिंग अच्छी होगा टारगेट कंप्लीट होने का टाइम पे, उसी वक्त से शुरू होगा माओ जी कंटिन्यू कैपिंग माओ जी। रूबी लेवल पे मेरी लेवल पे यूरोप टारगेट 95 मेंबर्स को जिता के लेके गया माओ जी, 95 मेंबर्स को जिता के लेके गया। वहां से 8 लाख रुपए भी अच्छे हो गया माओ जी, 8 लाख रुपए अच्छे होने का कुछ मेरी कुछ नहीं है माओ जी। और इसी दौरान में जैसलमेर में मेरे को बेस्ट परफॉर्मर में अवार्ड भी मिला माओ जी, वहां पर आप लोगों की आज में बेस्ट परफॉर्मर लेने का मौका मिला माओ जी। यस 19 दिसंबर 2017 में मेरा डायमंड सेलिब्रेशन हुआ है माओ जी, मेरे फैमिली
35 आदमी स्टेज के ऊपर आया मौर्य। टोटल बड़ा फैमिली है हमारा, मम्मी का ओनली, मेरे मम्मी का फैमिली है मौर्य। 35 मेंबर स्टेज के ऊपर आया मौर्य। मेरे को ये सारे पूरे चीजें यहाँ से सीखा है मौर्य। टोटल सेफ शॉप की तरफ से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से सीखा है मौर्य। ये मेरा बिजनेस लेवल की है मौर्य। लेफ्ट राइट दोनों 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 तरफ एक ही लेवल में जीता, कंप्लीट किया मौर्य। 25,000 क्रॉस हो गया मौर्य यहाँ पर 3 अगस्त 2019 में। वहां से जो है मौर्य मेरा अभी मैं खुशी का बात होता है मौर्य। आज का दिन 4.5 साल के अंदर आज मर्क्यूरी लेवल शो कर रहे हैं मौर्य। कंग्रेचुलेशन कर रहे हैं अपना कंपनी इसके अंदर। ये सारे मेरे मेरे नहीं होता है मौर्य। कैपिंग तो लेते रह रहे मौर्य। आज करोड़ों रुपए कमाया मौर्य इसी अचीवमेंट में। आज 2 लाख की घर भी है मौर्य अपने पास। विल्ला ले लिया मौर्य महावीर आशीर्वाद से। ये स्टार्ट कंटिन्यू कैपिंग लेते गया मौर्य। शुरुआत जस्ट टाइम पे इमरान टारगेट में शुरू कर दिया। आज तक कंटिन्यू कैपिंग लेते गया मौर्य। कंटिन्यू कैपिंग तो लेते गया। यहाँ पर रिटेल का जब आया मौर्य वहां पर गोल्ड मेडल भी जीता। अपना टीम से भी गोल्ड मेडल जिताया मौर्य। यहाँ पर इतने सारे मेरे टीम में ही टोपाई लेवल पे कैपिंग भी दिलवा दिया मौर्य। मिस्टर अनिल रेड्डी टोपाई लेवल टीम भी शो कर रहे हैं मौर्य। यहाँ पर एकदम दमदार लीडर बोल के बस हिस्ट्री भी रिकॉर्ड कर दिया मौर्य। ये सारे सक्सेस जहाँ से शुरू होगा मौर्य बोलते, ये 6 पॉइंट है मौर्य मेरे सक्सेस के की पॉइंट है। ये थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ मौर्य। मेरे तो शुरुआत से हार्ड वर्किंग नेचर है मौर्य। काम करने के अंदर अगर करना है तो रात दिन का बात नहीं होता मौर्य। सुबह 6 बजे उठता था मौर्य। रात में कब सोता मुझे पता नहीं। महावीर ने बताता था अगर घर से निकलना है तो तुम्हारा काम है, अगर आना है तो तुम्हारा काम नहीं होता है, टीम का काम है। अगर टीम जब वापस जाएगा जब भी आना है बोल के बताता मौर्य। उसी तरीका में मैं काम करता था। आने का मैं कभी भी चॉइस नहीं लेता था, टीम को चॉइस छोड़ देता था। उन लोगों का काम अगर फॉलो खत्म हो गया, प्लान खत्म हो गया, जब भी घर लौट जाता था। अगर कभी ना कभी अगर जल्दी से काम खत्म हो गया तभी कोई ना कोई टीम लीडर के पास जाके बैठ के उन लोगों को मोटिवेट करना, उन लोगों को बिजनेस के बारे में बताना, FIM के बारे में बताना, इन्विटेशन के बारे में बताना, ड्रीम के बारे में बताना, ये सब कुछ जानकारी देने के बाद ही घर को रिटर्न आता था। मेन चीज जो है इसके अंदर मेरे जो काम किया है मेरे टीम में भी ऐसी हार्ड वर्किंग नेचर अपना टीम में डुप्लीकेशन कर दिया है मौर्य। ये और सिस्टम की बात किया है तो मौर्य सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने जो भी नॉलेज दिया है मौर्य। शुरुआत में एयर स्टेप ट्रेनिंग में देने से पहले FIM में भी देते हैं मौर्य। 5-5 बेसिक स्टेप ऐसा माइंड में बैठ गया मौर्य। अगर किसी हाल में ये 5-5 स्टेप को अगर फॉलो करना ही करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा बल्कि मेरे माइंड में बैठ गया मौर्य। 5 FIM में जो बताता है वो 5 स्टेप को फॉलो करते गया मौर्य। कम्युनिकेशन अपलाइन का कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग के बारे में होनी, वेन्यू का बारे में होनी, लिस्ट का बारे में होनी, ड्रीम का बारे में होनी, लगातार उन लोग उसमें फॉलो करते गया मौर्य। जैसा मैं सिस्टम की फॉलो करते गया अपना टीम भी उसी में लगातार काम करते जा रहे हैं मौर्य। उसी दौरान में हम लोगों ने फोकस किया मौर्य टूल्स के बारे में। अगर शुरुआत में हमारे को टूल्स तो रेडी नहीं मिलता था मौर्य, अगर पहले दो टूल्स का अमाउंट लेने के बाद फिर मंगाना पड़ता था, उसको टोटली डुप्लीकेशन चेंज कर दिया मौर्य। पहले टूल्स रेडी रखना है, उसके बाद जैसा DD आता है ऐसा हाथ में पकड़ाना है, जैसा DD आता है ऐसा हाथ में पकड़ाना है टूल्स। बिना टूल्स ये कि मेरा टीम में फॉलो कर दिया मौर्य, अगर टूल्स नहीं है तो DD नहीं है, डुप्लीकेशन ऐसा फैला दिया मौर्य। अगर टूल्स अगर कोई अगर नहीं ले रहा तो वहां पर DD लेने का जरूरी नहीं है। अपने को लीडर बनाने का है, चेक नहीं बनाने का है। अगर चेक बनाना है तो बिना टूल्स की ले सकता है, मगर लीडर को बनाने का है तो बिना टूल्स की लेने का मतलब नहीं होता है। बल्कि टूल्स को इतना फोकस कर दिया मौर्य, आज हजारों टूल्स प्रमोट होते रहता है मौर्य। फोकस ऑन और ट्रेनिंग, अगर कुछ ट्रेनिंग आया, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आया, ग्रुप मीटिंग आया, कोर ट्रेनिंग आया, दिशा प्रमोशन आया, अगर शुरुआत में मौर्य एक्चुअली मैं बुलसे भी खत्म नहीं हुआ मौर्य। शॉप में आने के बाद बुलसे भी नहीं होगा, मगर कृष्णा मौर्य का डायमंड फंक्शन आया, उसमें मुझे वॉलंटियर का मौका मिला। एक साइड में काम चल रहा था, टीम क्वालिफाई होगा, एक साइड में काम चल रहा था, मेरा बुलसे ही नहीं हुआ, फिर भी
कृष्णा मौर्य डायमंड फंक्शन में ज्वाइनिंग तो चार ही हुआ था, मैं 8 लोगों को प्रमोट करके बेंगलुरु फंक्शन में लेके गया मौर्य, 8 लोगों को प्रमोट करके लेके गया, वहां से जर्नी शुरू हो गया। उन लोगों को रेलवे अमाउंट भी ले लिया, कंट्रीब्यूशन भी लगा लिया, उन लोगों को खाना पीने का भी खर्च लगा लिया, ऐसे खर्च लगा देगा मौर्य, कहीं भी पीछे कभी भी पीछे नहीं हटा, यहाँ पर काम करने के अंदर कभी भी पीछे नहीं हटा, काम करने के अंदर पैसे को कभी भी खर्च करने में भी पीछे नहीं हटा मौर्य, या प्रमोशन के बारे में होने दो, ट्रेनिंग बिठाने में होने दो, टूल्स प्रमोट करने के बारे में, अगर नॉलेज पैक लेने के अंदर होने दीजिए, अगर किसी का कंट्रीब्यूशन करना है तो भी उसके अंदर भी कुछ फंक्शन करना है, सक्सेस प्रूफ सेमिनार करना, अगर प्रमोशनल ट्रेनिंग भी करना है, जहां भी जो भी करना है, अगर करना है तो करना ही है, अगर महागुरु जी करना है अगर बता दिया उसको करना है, किसी हाल में 100% उसको करना ही है। मेरे को जाने अनजाने में कभी भी, मुझे पता है मौर्य, कभी भी अगर महागुरु जी लोगों से बात आया बोल दो, उसको कभी भी मना नहीं किया, मुझे इतना तो मालूम है मौर्य, अगर उसके अंदर कुछ भी कहीं तो भी गलती होने से महागुरु जी लोग बता देते ये यादगिरी ये नहीं करना है, उसी दौरान में इमिडिएटली करेक्शन कर लेते मौर्य। हेवी प्रमोशंस, प्रमोशन के बारे में अगर आए तो मौर्य, अगर किसी ने वेन्यू में बिठाना है 10 आदमी को लेकर आने के जगह हमें 50 आदमी को प्रमोट करते थे मौर्य, अगर किसी ने फंक्शन में बिठाना है मौर्य लोगों से अगर 100 की परमिशन मिलता है बोल तो 200-300 की प्रमोशन करते थे मौर्य, उन लोगों को करते करते हो गए ऐसे, अगर किसी ने फंक्शन में ले जाना है तो भी, अगर मुझे जो अगर मिलता है उससे डबल ट्रिपल प्रमोशन करके उसको 100% कंप्लीट कर देते हैं, और कभी भी कम प्रमोशन, आज तक भी कभी भी कम प्रमोशन नहीं हुआ मुझे, हर दिशा में ले जाने के लिए, अगर मुझे होना है बैच आज का दिन भी, जो भी बैच होना है मुझे पता लगता है माहौल इतना बैच दे सकता, उसके हिसाब से मैं प्रमोशन कर देते हैं माहौल, मगर कभी भी कम प्रमोशन नहीं करते। अब विनिंग एटीट्यूड शुरुआत से लेके आज तक भी एटीट्यूड के बारे में कभी भी विनिंग एटीट्यूड, कभी भी अगर हारता होगा नहीं होता होगा, अगर ये होता है क्या, क्यों नहीं होता है बोल के कभी भी नहीं सोचा मौर्य, होता है कि क्यों नहीं होता, नहीं जसवीर मौर्य ने बताया था, मौर्य स्पीच सुनता था, अगर कोई ने कोई अगर सोचा अगर होता है क्या, क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो क्वेश्चन मार्क की जिंदगी हो जाता है बोल के मालूम हुआ मौर्य, उस दिन से आज तक कभी भी क्वेश्चन मार्क माइंड में नहीं आया मौर्य, शुरुआत से लेके आज तक जो भी मेरा सक्सेस है ये 5 key points है मौर्य, हार्ड वर्किंग नेचर अंदर, सिस्टम फॉलो, फोकस ऑन टूल्स होंगे, फोकस ऑन ट्रेनिंग होंगे, हेवी प्रमोशन होंगे, विनिंग एटीट्यूड होंगे, मैं जो भी करा है डुप्लीकेशन उसी तरीके में होगा, यहाँ पर जितना भी मैं करता है मेरे पास मैं करने का जो भी है, महागुरु जी लोगों ने बताया था मैं करता था, मैं जो करता था मेरा टीम को बताता, उन लोगों भी करता था, ये सारे हासिल हो गया बोलते मौर्य, टोटल मेरा टीम को भी क्रेडिट चले जाता है मौर्य, यहाँ पर महागुरु जी को जितना क्रेडिट जाता है उतना क्रेडिट मेरा टीम को भी चले जाता है मौर्य, यहाँ पर करते हुए थैंक यू मौर्य, मुझे इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला मुझे इस दौरान में, और एक पॉइंट भी बताना चाहता हूँ मौर्य, चैलेंजेस तो ऐसे चैलेंजेस है मौर्य, बहुत सारे लोग आते हैं चैलेंज आने के टाइम पे, बहुत सारे लोग तो सोचता है मौर्य ये चैलेंज की तरफ से ये नहीं होता है, न्यूज़पेपर का होंगे और कुछ भी होंगे और कुछ भी होंगे, अगर वहां पर बहुत सारे लोग तो सोचते रहते हैं मौर्य ये नहीं होता है, ये कर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, मगर मैं मौर्य आज तक मेरा माइंड में नहीं होता बोल के, मेरा माइंड में कभी नहीं होगा, एक ही बात है मौर्य, कुछ पाना है तो कुछ खोना है, कुछ पाना है तो कुछ खोना है बोल के ये मेरे माइंड में बैठ गया मौर्य, उसी काम करते हैं, फैमिली को बहुत कुछ कम टाइम देता हूँ, इसमें भी माहौल जी बताते रहता है, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी अगर देना चाहेगा तो टीम को देना है, अगर सेकंड प्रायोरिटी फैमिली को देना है, ये मेरा बहुत कुछ बैठ गया हमारी, कुछ कुछ बातें ऐसा बैठ गया हमारी, अगर कुछ ट्रेनिंग में जाता है वहां से एक पॉइंट लेके आता था, कुछ ऑडियो सुनता है वहां से कुछ पॉइंट ले लेता है हमारी, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में इतना नॉलेज मिलता रहता है हमारी, अगर मेरा तो जिंदगी तो सेफ शॉप की तरफ से बहुत कुछ बदल गया मौर्य, और कुछ बदलने का भी मौका है मौर्य, यहाँ से बहुत कुछ बदलाऊंगा मौर्य, थैंक यू मौर्य, मेरे को इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया है, मेरे सारे मेंटर्स को मेरे तरफ से और धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुझे इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, थैंक यू सो मच।
जितना लोहा देख रहा है, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, अगर वीनस जो भी है, मर्क्यूरी जो भी है, सारे सारे को मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ मौर्य जी। मैं कुछ भी नहीं मौर्य जी, ये सारे पूरा मेरा मेंटर्स का है, ये शरीर में जो भी है, यहाँ पर ज्ञान जो भी है, यहाँ पर नॉलेज जो भी है, जो भी एजुकेशन है, मैं खाली जीरो है मौर्य, जीरो को यहाँ पर एक अच्छी वर्ड बना दिया, बोलते मेरा मेंटर्स की दुआ है मौर्य। थैंक यू वेरी मच।